आपको नींद क्यों आती है, कभी आपने इसको जानने की कोशिश की? अगर नहीं जाना तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आपको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप सोते हो, किस लिए सोते हो? क्योंकि आप इसलिए सोते हो, जो आपका माइंड होता है वो थक जाता है, जो आपकी दिमाग होती है वो थक जाती है, तब आपको नींद का एहसास होने लगता है। इस नींद को बचने के लिए, आपके दिमाग को थकाने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी कार्य करते हो उससे उस कार्य को केवल एक घंटा तक करिए और बार बार उस कार्य को बदल दीजिए, जिससे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और आपके दिमाग को आराम मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि बीच बीच में अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए पानी पीना है। वो पानी आप चाहे तो बॉटल द्वारा भी पी सकते हो, क्योंकि जो पानी है आपके दिमाग को स्वस्थ करता है और वो पूरी क्षमता के साथ आपका दिमाग जिस भी कार्य को करते हो वो कार्य करता है। आप चाहे तो बॉटल से पी सकते हो, ग्लास से भी पी सकते हो, आप जिससे जी आपका इच्छा करे उससे आप पी सकते हो, लेकिन जो आपका ये पानी है कि 70% आपके शरीर में पानी होता है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और दिमाग को उसकी पूरे ताकत के साथ कार्य करने के लिए एनर्जी को देता है, और इस एनर्जी से आपका दिमाग थकता नहीं है। तो कुछ ऐसे अचूक तरीके हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग को आपको आराम देने के लिए करना क्या है कि आपको पढ़ते समय, अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको नींद ना आए, आपका दिमाग खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप जिस एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, फिर उसके बाद कोई तीसरा आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिसके बीच में आपको दिमाग को आराम मिलेगा। इसके साथ आपको क्या करना है कि रेस्ट लेना है, ठीक है। आप जो भी करते हो, मॉर्निंग में वॉक करते हो, आप मॉर्निंग में टहलते हो, या अगर पढ़ाई करते करते आप बाहर घूम लीजिए, टहल लीजिए, उसके बाद अगर आपका दिमाग नहीं लगता है पढ़ाई में तो आपको योग कर लेना है, ठीक है। योग भी आप कर सकते हो, और मैं ये चैलेंज देता हूँ कि अगर आप इन सब कारणों को आजमाएंगे तो आपको नींद कभी नहीं आएगी और आपका ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगेगा। उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल प्रसन्नता से चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको करना क्या है कि पढ़ाई करते समय पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ी झपकियाँ ले लेनी चाहिए। झपकी लेने से ये होता है कि आपको फिर उसी एनर्जी से काम करने की ताकत मिल जाती है और आपका बॉडी एक आराम सा महसूस करने लगता है। इसके बाद अगर आप इस तरीकों के बाद अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट इसलिए चेंज करना है, कभी ड्राइंग चेंज कर देना है, कभी इंग्लिश पढ़े हो तो इंग्लिश, फिजिक्स, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद अगर ये चेंज कर आप पढ़ोगे तो आपका जो दिमाग है इसको क्या मिलेगा, रेस्ट। और आपको नींद कब आती है, जब आपका दिमाग बिल्कुल थक जाता है तब आपको नींद की एहसास होने लगती है। तो इस नींद से आपको बचने के लिए करना क्या है कि टाइम से, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको कार्य को करना पड़ेगा, यानी कार्य को एक समयबद्ध बना लीजिए और उस समय से उस कार्य को आप करेंगे तो उस कार्य में भी आप सफल होंगे। समय से कार्य न करने पर आपके दिमाग में एक तनाव सा उत्पन्न हो जाता है और आपको इस तनाव के कारण आपका जो दिमाग होता है वह बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो इस डिस्टर्ब से बचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप किसी भी कार्य को टाइम से करें, जिसके कारण आप इस तनाव से बच सकेंगे। कम से कम आपको 5 से 6 घंटा तो जरूर सोना है, इसके बाद आपको अपने पढ़ाई में लग जाना है, इसके कारण आपको पढ़ाई आप लंबे समय तक कर सकते हैं। अगर आपका म्यूजिक में मन हो तो म्यूजिक सुन ले सकते हैं, तो जिसके कारण आप अच्छे से पढ़ाई